हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना हमारा लक्ष्य है। पल्स पोलियो टीकाकरण महाभियान आज से बाड़मेर शहर नेहरू नगर से की जिले में 4 लाख से अधिक बच्चे होंगे लाभान्वित। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का आगाज आज जिले में 19 जून 2022 को हुआ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल बिश्नोई ने बताया कि बाड़मेर जिले का नाम पोलियो वायरस को लेकर हाई रिस्क वाले जिलों में आता है, क्योंकि भारत में तो पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, परंतु विश्व में अभी 2 देशों पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में जंगली पोलियो के केस निकल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को 8 जून 2022 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष इन 2 देशों में 10 नए पोलियो से ग्रसित रोगी मिले हैं। भारत हर वर्ष एक बार पल्स पोलियो अभियान मनाता है एवं हाई रिस्क जिलों में 2 अतिरिक्त पोलियो के राउंड उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के रूप में मनाया जाता है। इस साल 19 जून से 21 तक बाड़मेर जिले पल्स पोलियो अभियान मना रहा है, जिसकी तैयारी स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय टीम द्वारा पिछले कुछ दिनों से युद्ध स्तर पर की जा रही है। जिले के RCHO डॉक्टर प्रीत मोहिंदर, जिला आशा समन्वयक राकेश भाटी व WHO से सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पंकज सुथार एवं कमलेश द्वारा ब्लॉक में जाकर उक्त अभियान के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं साथ ही तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जिले में सभी वैक्सीनेटर एवं सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा, जिले के हर 5 साल तक के बच्चे को ट्रैक करके दवा पिलाना हमारा लक्ष्य है। WHO के सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुथार ने प्रशिक्षण में पल्स पोलियो वायरस की ग्लोबल स्थिति के बारे में बताया एवं मॉनिटर की फीडबैक को लेकर अभियान को गुणवत्ता के साथ बनाने के बारे में बताया। जिला आशा समन्वयक राकेश भाटी ने बताया कि इस अभियान में हर साल की भांति सभी आशा NM कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी एवं कोई भी आशा इस दिन अवकाश पर नहीं रहेगी। RCHO डॉक्टर प्रीत मोहिंदर ने बताया कि उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बाड़मेर जिले में इसे लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। महाअभियान के पहले दिन जिले में निर्धारित किए गए बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके बाद 20 व 21 जून को जिले में घर घर जाकर वंचित बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि पल्स पोलियो टीकाकरण महाअभियान 2022 के तहत जिले में 4,27,000 बच्चों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन 19 जून को जिले में निर्धारित किए गए कुल 520 बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए कुल 10,268 टीकाकर्मी काम करेंगे, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए 334 सुपरवाइजर बनाए गए हैं। महाअभियान के पहले दिन निर्धारित किए गए बूथों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा कच्ची बस्तियों में बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने के लिए 81 ट्रांजिट बूथ भी बनाए गए हैं। इस महाअभियान की जिला स्तरीय एवं खंड स्तरीय टीम द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।